हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलियास कुकबुक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी मगर जल्दी और झट से बन जाने वाला चिकन। जब घर पे चिकन हो और बनाने का बिल्कुल भी दिल ना कर रहा हो, फिर क्या करें, सिर्फ 5 मिनट दें और जल्दी से बना लें ये झटपट चिकन। मैंने लिया है 2-3 अनियन लिया है, आप चाहो तो 3 बड़े मीडियम साइज़ के अनियन ले सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ बड़े और कुछ छोटे थे तो मिक्स लिए हैं, उसे मैंने स्लाइस कर दिया है। और ये मस्टर्ड ऑयल जिसमें ये कुक होगा, मस्टर्ड ऑयल से फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल हीट कर दिया, उसमें मैंने साबुत मसाले डाल दिए हैं और अब मैंने इसमें डाला है ये अनियन जो हमने स्लाइस करके रखा था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लगती इसमें कि चिकन बनाना है, बस ये अनियन हमने फ्राई कर लिया। अब दूसरी जो सबसे बड़ी टिप है वो ये है कि हमें जो चिकन के जो चंक्स हैं वो करने हैं, वो भी छोटे छोटे करने हैं। ये वो साइज़ है जो हम कुक करते हैं, बट यहाँ पे हमें जो कुक करना है उन सारे पीसेस को हमें 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, कट कट कर। ये रहा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ये चंक मैंने एक पीसेस के ऑलमोस्ट 4 चंक्स कट कर लिए हैं मैंने। एंड इस वन मोर थिंग कि बोन अलग नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए अलग मैंने रख दिया कि छोटे से बोन है, बहुत ज़्यादा बड़े बोन भी यूज़ नहीं करने हैं इसमें। तो बोनलेस भी नहीं होना चाहिए, मतलब चिकन ऐसा होना चाहिए जिसमें बोन्स थोड़े छोटे हों। जैसे ये हैं, मैंने चंक्स काटे हैं और इसमें कई सारे छोटे छोटे बोन्स भी हैं। बोन्स डालने से एक एडेड अलग सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है अनियन, जो कि मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं किया है ना। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर के बाद जो थोड़ा सा कलर आने लगता है, हल्का सा ब्राउनिश सा, बस उसी स्टेज पे रोक दिया मैंने। अब मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी सो दैट इसकी स्मेल निकल जाए अच्छे से, और देन इसको फ्राई करूँगी। ये मैंने ऐड कर दिया चिकन, फ्राई करूँगी इसे अच्छे से। यहाँ पे ये भी एक अच्छा टिप है फ्रेंड की, यहाँ पे जो चिकन हमने डाला है तो इसे ढंग से फ्राई करना है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि झटपट किया और सारे मसाले डाल दिए तो उसका टेस्ट थोड़ा रॉस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐड किया है सॉल्ट, इसमें चला गया सॉल्ट और इसे हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। अब मुझे फ्राई करते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ऐड करूँगी इसमें पाउडर मसाले। यहाँ पे मैंने लिए हैं रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड चिकन मसाला पाउडर, ये सब इसमें ऐड कर दिया मैंने। थोड़ा स्टर करूँगी इसे, स्टर कर लिया मैंने इसे। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके वाटर, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें वाटर। थोड़ा स्टर किया, चलाया मैंने इसे अच्छे से एंड देन ऐड कर दिया वाटर फिर से। दूंगी और इसे एक बॉईल आने दूंगी, बॉईल आने के बाद मैं इसे सिम पे कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। और अब मैं इसे सिम पे कर दूंगी, सिम पे ये कुक होगा 5-6 मिनट कुक होगा एंड देन चिकन रेडी हो जाएगा। स्टर कर लूंगी, एक दो बार स्टर कर लूंगी, फ्लेम हमारा सिम पे है एंड देन 5-6 मिनट में ये चिकन जो हमारा बन के तैयार हो जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, 5 to 6 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा चिकन है, ये बिल्कुल कुक हो चुका है अच्छे तरीके से और ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में, और खाने में ये उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है और बनने में ये कहीं ज़्यादा आसान। आप इसे रोटी और नान के साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन विथ ऑल ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।